भानु यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना। कितना सुंदर नगर है बाबा। क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो, जाओ। ठीक है। काका काका, ये क्या? मैं तो बताना ही भूल गई। भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई, कपास और ऊन का व्यापारी था। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। ले जाओ ले जाओ। एक सिक्के का चार, हमारे यहाँ तो छह मिलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ एक सिक्के का एक, इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। एक सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है। गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है, चख कर तो देख लो। ये लीजिए एक सिक्का। लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा। व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ, एक सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया, बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह, अरे कांटे। वाह, गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है लेकिन चिपचिपा भी है। जब तक हम राजमहल से लौट कर आएंगे तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर आए। एक दो तीन चार, जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी। मुंगी देख कितनी गुलोली ताजी भेड़। हाँ, चार के बराबर एक है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं नहीं, चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसके वजह से। अरे उठ जाओ मुंगी, लगता है भेड़ थक गई है। देखना कितनी प्यार से सोई हुई है। ये चीखने वाली भेड़। मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मुंगी ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है भूत।
मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। मैं भूत हूँ। अब क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझसे नहीं मिला। अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी आप, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कपटी कटहल ने किया है। अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। इसमें क्या है बाबा? बेटा ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल, मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना।